हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11 इकोनॉमिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर रिपेयर एंड डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड हम उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं

दो गुड्स की बात कर रहे हैं दो गुड्स तब रिलेटेड होंगे जब एक की डिमांड दूसरे की प्राइस के साथ कुछ इफेक्ट होगा अगर एक का प्राइस कम ज्यादा हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा हो रही है ठीक है ये आ जाता है आपके सब गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी इज एक्सपेक्टेड टू कॉज इनक्रीज इन द डिमांड फॉर टी अब टी एंड कॉफी है बहुत सारे सबसे गुड्स अगर मान लो कॉफी का रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा कॉफी का रेट बढ़ने से आपकी टी के डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि आप टी एंड कॉफी को है ना आप कॉफी है तो कॉफी भी लो टी है तो टी भी लो ऐसे ही आपकी कोक एंड पेप्सी आ जाती है

एक का प्राइस जो मर्जी हो कम हो ज्यादा हो उसका दूसरे की डिमांड के ऊपर दूसरे की प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं है इसकी जैसे एग्जाम्पल है देखो आपकी डिमांड फॉर फुटवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन द प्राइज ऑफ माइक्रोवेव्स मान लो आपको माइक्रोवेव के रेट कम हो गए या ज्यादा हो गए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रेट कम है या ज्यादा फुटवेयर से उसका क्या लेना आपकी फुटवेयर की डिमांड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है ना ये इंडिपेंडेंट है ऐसे ही अगर आप लगा लो आप कोई ड्रेस खरीद रहे हो उसका शुगर के साथ कोई इफेक्ट नहीं है अगर आपका ड्रेस कोई आपकी कोई भी ड्रेस है क्लोथ्स का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अप डाउन आता है आपकी क्लोथ्स की रेट प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके कारण शुगर के प्राइस कम हो या ज़्यादा हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सो दीज आर अनरिलेटेड गुड्स रिलेटेड गुड्स में इफेक्ट फर्क पड़ता है और अनरिलेटेड में नहीं पड़ता है ये चीज बेटा कई बार आपको पेपर में आ जाता है डिफरेंस पूछ लेता है कई अगर वो डिफरेंस नहीं भी पूछते हैं कई बार कहा जाता है कि शॉर्ट नोट आ जाता है रिलेटेड एंड पर तो उसमें आपको इस टाइप से आंसर लिखना है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट टूडेज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड शेयर फ्रेंड्स And uh, if you have any query or difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.